नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माई यूट्यूब चैनल। आज एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है कि बहुत सारी जो खबरें जो बहुत जरूरी होती हैं, जिनको मीडिया में आना चाहिए, जो और इनफैक्ट दे कम टू मीडिया। अगर आप आज तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसी आज तक की वेबसाइट पर जाएं तो जो सरकार को परेशान करने वाली जो खबरें हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं छापते हैं। इवन द पेड मीडिया हाउसेस लाइक आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप, दे ऑल्सो पब्लिश ऑल ऑफ देम। पर होता क्या है कि ये जो खबरें हैं वो प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा नहीं बनती, चैनलों पे नहीं आती, उतनी ज़्यादा नहीं चलती। और आजकल जब ज़्यादातर मीडिया कंजम्पशन इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, ऑनलाइन चैनल्स और मीडिया चैनल्स, तो ये खबरें छूट जाती हैं। तो मैंने सोचा है कि कोशिश करूंगा जब भी हो पाए संभव, आई विल पिक अप 5-6 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दैट डे, जिन पे आपको जानना चाहिए, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन बातों को आगे ले जाना चाहिए। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीएम केयर्स फंड से। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे आए, उनका कहां कहां आवंटन हुआ, इसको जानने के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था। आप जानते हैं पीएमओ का जवाब क्या था? द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिप्लाइड दैट they cannot provide the information because providing it would disproportionately divert the resources of the office। कि इसको खोल देने से जो ऑफिस का जो जो संसाधन है वो डाइवर्ट हो जाएंगे, और वो भी बहुत गैर अनुपातिक रूप से, मतलब बहुत ज्यादा तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे। कितने पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, ये बताने से आपका संसाधन कैसे डाइवर्ट हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और खास तौर पे जब आरटीआई इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसमें कागज का दाम भी एप्लीकेंट से लिया जाता है। दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी फंड नहीं, ये भाजपा का कोई चंदा नहीं है, ये भाजपा का कोई मतलब उनके कार्यकर्ताओं का दिया हुआ पैसा नहीं। बड़े डोनेशंस के साथ साथ पूरे देश के हर सरकारी कर्मचारी से जबरिया, इन द नेम ऑफ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, वेतन काट काट के इकट्ठा किए गए 10,000 करोड़ रुपए हैं ये। और अगर ये जनता का पैसा है तो जनता को इसका हिसाब मिलना चाहिए। द पीपल कंट्रीब्यूटेड ऑफन इवन फोर्सिबली टू दिस फंड एंड पीएमओ डिनाइंग देम दिस इंफॉर्मेशन इज लाइक द एपिटोम ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का चरम। मुझे इस पर यह भी याद आता है कि आरटीआई लाने में कांग्रेस की जो भूमिका है, अरुणा राय का जो आंदोलन है, बहुत सारी चीजें हैं, निखिल डे, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। इस आंदोलन के बाद जब आरटीआई आया, जब राइट टू इंफॉर्मेशन आया, तो आपको याद होगा कि इसने आम जनता की कितनी मदद की थी भ्रष्टाचार से लड़ने में, अपने हक हुकूक पाने में। और क्या ही कमाल है कि जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कहते नहीं थकते हैं संघ के दुमछल्ले, वो कांग्रेस आरटीआई देती है, और मोदी मतलब जो कहते हैं कि मतलब मैं किसके लिए करप्शन करूंगा, भ्रष्ट करूंगा, पैसा बनाऊंगा, वो 10,000 करोड़ रुपए जनता से जबरिया वसूलते हैं, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस बेसिकली लिए गए, जिसका बहुत जगह पे लोगों ने विरोध भी किया, जब दो दो तीन तीन बार ले लिए हर महीने में जब लेना शुरू किया, और आप उसका ही हिसाब नहीं दे रहे। कोई सीएजी उसका ऑडिट नहीं करेगा, कोई इसका ऑडिट नहीं होगा, ये भयावह है। आज की दूसरी खबर चीन की है, उस चीन की जिसने हमारे 20 सैनिकों की बर्बरता से हत्या की और 10 को प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिया। अब आप देखें कि हमारा मीडिया तुरंत बताने लगा कि हमने उनके 40 मारे, लेकिन किसी मीडिया ने यह नहीं पूछा कि अगर हमने उनके 40 मारे तो हमारे जैसे 10 को वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के ले गए थे, बाद में छोड़ा, तो हम भी तो कुछ पकड़ पाते, हम भी तो कुछ दिखाते, तस्वीरें तो होती हैं हमारे पास। दुनिया ने देखा कि 20 हमारे मारे गए और चीन ने 10 को अगवा किया, युद्धबंदी बनाया, बाद में छोड़ा, ये उसके पास एक फैक्ट है, हमारे पास कुछ नहीं है। खैर, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, मोदी बोल दिए कि ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना हमारी सीमा में कोई घुसा है। मैंने जैसा कि कहा कि मतलब अभी शुरुआत में ही कहा था कि सैटेलाइट का जमाना है, उपग्रहों का जमाना है, और ये आजाद उपग्रहों का भी जमाना है। बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जो किसी देश के नहीं है, जो कंपनियों के हैं, जो मीडिया हाउसेस के हैं, इस तरह के हैं। तो ये झूठ तो खुलना था, और ये झूठ खुला भी, बहुत जल्दी खुला ये झूठ, जब खुद राहुल कंवल ने एक प्राइम टाइम डिबेट करके सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके दिखा दिया कि ना केवल चीन घुसा बैठा है,
बल्कि अब उसने गलवान पेंगोंग शो में उसने बाकायदा नावें उतार दी हैं, स्पीड बोट्स उसने तैनात कर दिए हैं 13-14, उसने ऑल वेदर टेंट बना लिए हैं जिनमें 450 से ज्यादा सैनिक रह सकते हैं। 450 मतलब चीन हैज डिग्ड इन, उसने अपने पांव धसा लिए हैं और वो जाड़ों में भी रहने आया है। जब ये बात खुली उसके बाद फिर अचानक से मतलब इंडिया टुडे से ये चर्चा गायब हो गई, क्यों गायब हो गई पता नहीं, लेकिन अभी फिर से ये चर्चा आनी शुरू हो गई। क्या चर्चा आनी शुरू हुई है कि चीन ने अब गलवान वैली में घोघरा पॉइंट पे तमाम जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर बिछानी शुरू कर दी, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना शुरू कर दिया है। अब आप ये सोचें और क्या कर रहा है चीन, वहां पे पावर लाइंस देखी गई हैं कि मतलब बिजली लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, एलएसी से एलओसी तक सब चंगा सी, ऐसे नहीं होता चंगा। वो भारत को अपने ही जिला मुख्यालय से पीछे हटने का आदेश दे रहा है और यह खबर नवभारत टाइम्स से लेकर के तमाम सारे मीडिया में आप पढ़ सकते हैं। और चीन तो खैर चीन है, 75 के बाद पहली बार ये जो चीन दादागिरी कर रहा है, 67 के बाद असल में जब उसको सबक सिखाया गया था, अगर आप उसके बाद देखें तो मतलब केवल चीन नहीं है, इधर नेपाल ने भी लिपुलेख और तमाम जगहों पे केवल काला पानी पे केवल अपना दावा नहीं किया है, बाकायदा भारत सरकार मान रही है कि उसने ईस्ट चंपारण जिले में 7100 एकड़ जमीन पे अपना अवैध कब्जा जमा लिया है, जो डीएम मान रहा है, जो सारे लोग मान रहे हैं, और उसमें उसने बाकायदा मतलब उस पर पट्टे काट के बांट रहा है। उसने एक चोटी पे एक मंदिर है वहां पे नेपाल प्रहरी मतलब वहां की जो पुलिस फोर्स है उसको भी लगा दिया, उसको तैनात कर दिया है, और भारत सरकार आपत्ति तक नहीं कर रही है, जनता इससे नाराज है। लखीमपुर खीरी में भी नेपाली सैनिकों ने, आपको याद होगा कि आके बहुत सारे भारतीय जो सीमांकन थे उसके जो पोस्ट, उसके जो माइलस्टोन्स थे उसको उखाड़ दिया था, उनकी फायरिंग में हमारा एक नागरिक मारा भी गया था अगर आपको याद हो। लेकिन ये 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल का कब्जा 73 ईयर्स में ये भी कभी नहीं हुआ था, और लखीमपुर खीरी से लेकर के पूरे तमाम नेपाल जो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे लगातार दादागिरी और हमारी जमीन में धसना। अभी वो एक विवादित जमीन में हेलीपैड भी बना रहा है, मैंने शायद बताया था। तीसरी खबर है नीट और जेईई की, मतलब इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स हैं, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, और मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जी ने, अदालत जी ने एक आदेश देते हुए कहा है कि सितंबर में परीक्षाएं तय समय पे होंगी। क्यों, उन्होंने अपने आदेश का कारण बताया कि परीक्षाएं तय समय पर इसलिए होंगी क्योंकि कोविड के बावजूद, महामारी के बावजूद जीवन तो चलते रहना चाहिए। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, जीवन तो चलते रहना चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जी वही हैं जो कोविड का बहाना बना के कोविड के नाम पर एक भी दिन मतलब सारी सुनवाई ऑनलाइन कर रहे हैं, और वो भी केवल गंभीर मुद्दों पे, जैसे अर्णब गोस्वामी, जैसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गलत मामले में, संवैधानिक बेंचेज को, खंडपीठ जिसको कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेज हैं उनके तक के मामलों की सुनवाई नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट जी, कोविड से लड़ने के लिए अगर जीवन चलते रहना चाहिए तो कोर्ट भी खोलनी चाहिए, केवल बच्चों की जिंदगी दांव पे क्यों लगाई जाए, वो भी उस दिन जिस दिन हमारा देश 50,000 मौतें पार कर गया है, 50,000, वी आर नाउ 500,000 डेथ्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी, संसद बंद रहेगी, लेकिन परीक्षाएं चलती रहनी चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं बच्चों से कैरियर चुन लो या जान चुन लो, भविष्य चुन लो या जान चुन लो, दिस इज लाइक पुशिंग देम टू डेथ, पुशिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्सोल्युटली नॉट डन। आज की चौथी खबर है वो बहुत ही दिलचस्प है, पुणे से। आपको पता होगा कि मतलब साहब ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं, बनवाया क्या आज तक वो तो पता नहीं, एक मूर्ति के सिवा जो चीन में बनी, लेकिन बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन साहब ने बेच दिए उसमें पुणे का भी रेलवे स्टेशन। बात आपको बहुत छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत संगीन है, बहुत ये गंभीर बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कि पुणे के उस स्टेशन के मालिक ने अब वहां पे प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे का 50 रुपए का कर दिया है, 50 रुपीस।
मैं जानता हूं सरकार के समर्थक किसको भी मतलब ठहरा लेंगे किसी तरह से, सही कि मतलब आप 2 घंटे क्या करेंगे, 4 घंटे क्या करेंगे, जबकि 4-4 घंटे तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं इस देश में, 8-8 घंटे। इससे किसको सबसे ज्यादा समस्या होगी? अभी आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा है आप दे देंगे, तो पहली बात कि ये जो दाम बढ़ा है ये खबर नहीं है, ये राष्ट्र के नाम संदेश है कि सारी जो चीजें निजी हाथों में जा रही हैं उनमें ऐसे ही अब प्राइसिंग होगी, फेयर ऐसे ही तय किए जाएंगे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये पहली बात, 50 रुपए। दूसरी बात कि अगर आप सबल हैं, शारीरिक रूप से समर्थ हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आपको तो कोई बहुत दिक्कत नहीं। ये दिक्कत सबसे ज्यादा उनको होगी जैसे आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको ट्रेन पकड़ने जाना है तो उनकी मदद के लिए आपको जाना पड़ेगा ना। कोई दोस्त हैं इस देश में जो हालत है, मतलब मैं चाहता हूं ये बदले, लेकिन आपकी बेटी की, आपकी प्रेमिका की, आपकी दोस्त की, किसी की भी जो ट्रेन है वो रात के 3 बजे भारत के किसी भी शहर में, और उसको स्टेशन जाना है, आपको जाना पड़ेगा ना। किसी के पास छोटे बच्चे हैं, आपको जाना पड़ेगा ना, और 2 घंटे में 50 रुपए आप देंगे। खैर, तो आज की बात तो यहीं पर खत्म करता हूं और कोशिश करूंगा कि मतलब आप लोग भी चाहें तो इन सारे मुद्दों पे अपने अपने सोशल मीडिया पर लिखें, इस बात को आगे ले जाएं, इस बात को बढ़ाएं। ये जो मतलब महत्वपूर्ण खबरें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार इन तमाम मुद्दों पे बात करता रहूं और जो इस तरह की जो खबरें हैं वो रोज आपके साथ साझा करूं जितना भी ज़्यादा संभव हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें और वीडियो को साझा भी करें, उसे लाइक भी करें। शुक्रिया, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।